13वीं तारीख है और आज उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों की मतगणना हो रही है और शाम तक परिणाम घोषित होने की संभावना भी है। परिणामों को लेकर के सभी दलों और प्रत्याशियों में गहरी बेचैनी है और सबसे ज्यादा बेचैनी किसे है? निसंदेह सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के लिए ये चुनाव उसकी प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। उसने यह चुनाव लड़ा है पूरे मनोयोग से। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव की कमान अपने हाथों में रखी और राज्य के एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक अनेक सभाएं भी की। सपा ने भी इस चुनाव को अपनी खोई हुई शक्ति के प्रदर्शन और भाजपा को उसकी औकात दिखाने के इरादे से लड़ा है। मुख्य खिलाड़ी ये दो ही हैं। मतगणना से निकलने वाले परिणाम इन दोनों दलों की नगरीय मतदाताओं के बीच बन रही स्थिति को प्रदर्शित करेंगे। यह परिणाम किसी की 13वीं और किसी के पुनर्जन्म का प्रमाण भी होगा। भाजपा के स्थानीय सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और जिला अध्यक्षों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। बनाने को बहाने हो सकते हैं, परंतु बताने को परिणाम चाहिए। जैसी चर्चा और जैसे आरोप हैं, जनपद के प्रशासनिक अमले को भी सरकार ने प्रति अपनी निष्ठा और लोकतंत्र के प्रति ईमानदारी की दो दो परीक्षाओं में पास होना है। गौतम बुद्ध नगर समेत सभी जनपदों में समाजवादी पार्टी ने प्रशासन को भाजपा के लिए मतगणना के हेरफेर करने से रोकने के लिए जिम्मेदार जोरदार तैयारी की है। यदि ऐसा होता है तो जगह जगह उपद्रव और हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल आज मई की 13वीं तारीख है और यह तारीख लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए भी काफी अहम मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट टुडे जुनून।